फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत मजे में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। और न्यू ईयर में तो बहुत सारे मस्ती हम लोग ने ऑलरेडी किए हैं। मे भी भगवान के दया से हम बहुत अच्छी हूँ। आज थोड़ा बता दूँ, टेलीकास्ट कर दूँ बैंगलोर के वेदर के बारे में। बैंगलोर का वेदर बहुत ग्लूमी है, लेजी लेजी सा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। सो इसलिए सोचा कैमरा ऑन कर दूँ, आप लोग के साथ थोड़ा सा बात कर लूँ तो थोड़ा एनर्जाइज हो जाऊँगी। सो इसलिए कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन करते करते सोचा कि आप लोग को आज एक बहुत सुंदर सा चीज़ के बारे में बताऊँगी और आप लोग को बोलूँगी कि वो चीज़ आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को बोली मैं बातें करूँगी, फिर थोड़ा काम आ गया, चली गई थी, अभी आ गई हूँ कैमरे के सामने। हाँ, मैं जो बोलना चाहती थी, हम लोगों का घर एक ऐसा चीज़ है जो नसीब में होता है तो मिलता है, बट घर घर ही होता है। आपका खुद का घर हो या किराए का घर हो, जो भी हो, वो घर होती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। सो वो घर का, जैसा मैंने बोली कि पॉजिटिव वाइब्स और घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए एक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए। सो ये मैं मानती हूँ, आपसे कौन कौन मानता है चीज़ को मुझे ज़रूर बताना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोगों का लाइफ में, जैसे खाना पीना सोना बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, वैसे घर का वातावरण भी बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, सबके लिए। सो घर अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, सब कुछ अच्छा ही होता है, तो ये मेरा मानना है। सो इसलिए क्या होता है ना, मैं मैक्सिमम ध्यान देती हूँ जैसे घर का साफ सफाई हो और घर क्लीन रहे, वातावरण स्वस्थ रहे और एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुए घर में, होना बहुत ज़रूरी भी है। सो घर का डेकर, आप लोग मुझे अभी पूछेंगे घर का डेकर क्यों ज़रूरी है। साफ़ सफाई करना, घर का वातावरण क्लीन करना, वो घर लाइटेड और वेंटिलेशन भी होना, वो भी तो ज़रूरी है, बट डेकर क्या ज़रूरी है? मैं आपको रिप्लाई दूंगी, हाँ ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जैसे एक डिश बनाए हैं खाने के लिए, वो डिश को हम लोग एक डिश बहुत टेस्टी है, बहुत सुस्वादु है, बट वो डिश को हम कैसे रिप्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। मेरा जो मानना है कि कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो उसका जो टेस्ट है, उसका जो अपनापन है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे हमारा घर होती है जिसको हम लोग वो जो डेकर होती है वो एक सुंदर थाला की तरह होती है जिसके ऊपर हम लोग खाना परोसते हैं। सो घर का डेकर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डेकर का मतलब ये होती है कि बहुत पैसा खर्चा कर दे और घर को बहुत दामी सामान से भर दे, ये नहीं होता। जो भी आपके घर में है उसको यूज करके इंटेलिजेंटली हम लोग घर को एक सुंदर सा रूप दे सकते हैं। एंड वो देने के बाद आप देखेंगे आपके मन में आपके मन में क्यों आप उसको रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये जो चीज़ हम लोगों ने छोटे छोटे चीज़ से उन घर को सजाए और उसका जो इम्पैक्ट हमारे लाइफ के ऊपर पड़ी, वो आप लोगों को बहुत वैल्यूएबल लगेगा। सो मेरा मानना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे से एकमत होंगे और बाकी नहीं होंगे, बट जो लोग मेरे से सहमत होंगे, सो उन लोगों को मेरा कहना है कि घर का डेकर के लिए सबके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होता। जब भी मन करता है कि इंटीरियर डिजाइनर हायर कर दे, उनको दे के घर का डिजाइनिंग फिक्स करें, वो सबके बस के बात नहीं होती, बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा भी आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है, आप कुछ घर को बेडरूम का डेकर, लिविंग रूम का डेकर, किचन का डेकर, पोर्च का डेकर, फॉयर का डेकर, कुछ भी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अभी आया मैं क्यों ये वीडियो में ये सब चीज़ बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे जहाँ पे रहती हूँ, ये एक 3 BHK फ्लैट है, मेरा 3 BHK फ्लैट का टूर मेरा यूट्यूब चैनल में है। कौन कौन नहीं देखा बोलिए, जो लोगों ने नहीं देखा प्लीज़, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके मेरा हाउस टूर देख लीजिएगा। ये घर को ज़रूर मैं इंटीरियर डिजाइनर के साथ मेरा खुद का आइडिया लगा के इसको डिजाइनिंग की। सो
कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये जरूरी है कि आपको कैसा लगा। मुझे अच्छा लगता है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। जैसे मैंने बोली, हर घर कुछ कहता है, वैसे मेरा घर भी कुछ कहता है। जो चीज़ मैंने इकट्ठा की, जो चीज़ को मैंने समाई ये घर का प्रति हर कोई कोने में, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो मैं बहुत सोच समझ के वो सब चीज़ की। सो बहुत जगह घूमी, उनसे चीज़ कलेक्ट की, फिर उन चीज़ को अप्रोप्रिएट जगह में रख के उसका इंटीरियर डेकर के हिसाब से मैंने यूज की। सो हमारा ये एक 3 BHK फ्लैट है, आप लोगों को पता है। इसके अलावा हमारा एक विल्ला है जो बैंगलोर का थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है। तो वो विल्ला हम लोगों ने बुक किए थे ये घर खरीदने से पहले। तब हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग ये घर, ये वाला फ्लैट खरीदेंगे। हम दूसरा, हमारा दूसरा फ्लैट था, वो फ्लैट में रहने के टाइम एक्चुअली वो विल्ला हम लोगों ने बुक किए थे। वो क्यों किए थे, किसके इंस्पिरेशन से किए थे, वो सब मैं बाद में बोलूँगी, वो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी वो घर का इंटीरियर हम लोगों ने कर दिए हैं और वो एक ज़्यादा बड़ा विल्ला नहीं है, 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट के ऊपर ये विल्ला किया गया है। और ये गेटेड कम्युनिटी में है और 2 फ्लोर में है। नीचे का फ्लोर में हम लोगों का है एक्चुअली लिविंग, डाइनिंग, किचन एंड गेस्ट बेडरूम, एंड ऊपर 2 बेडरूम है, एक छोटा सा कॉरिडोर है और हमारा टेरेस है। ये है मेरा विला का जो लेआउट। सो आज मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी वो घर का डेकर हम लोगों ने कैसे किए हैं। तो आप लोग तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे वो देखने के लिए। ऊपर का हिस्सा मैं बात का एक वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा जो घर का घर ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट के बीच में विला है और चारों साइड हम लोग गार्डनिंग के लिए छोड़ दिए हैं। सो मैंने आप लोगों को गार्डनिंग का कुछ प्लाट, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा और मेरा जो घर का कुछ हिस्सा नीचे का या ऊपर का घर का कुछ फोटो, स्टील फोटोज मेरे पास है, उसको मैं ऐड कर दूंगी। डिटेल्स में मैं जब जाऊंगी विला, हम लोग जाते ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं वो लोग, हम लोगों ने बनाए वो घर एक्चुअली वीकेंड में जाके वहाँ पे रहने के लिए वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट उसका मेंटेनेंस के लिए हम ट्राई करते हैं कि जैसे वो घर प्रॉपरली मेंटेन होकर रहे। आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ मेरा जो ड्रीम हाउस है वो अभी बन चुका है, बन के और इंटीरियर डिजाइनिंग भी हो चुका है। चलिए आप लोगों को लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ मेरा विला। देखिएगा और मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। जिस जिसको मेरा विला का इंटीरियर, मेरा विला का डेकर अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक थम्स अप दे देना, शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैंने ऐसे सुंदर सुंदर सा ब्लॉग या वीडियो आपके लिए शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। सो मेरा, मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की हेल्प भी आप लोग ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा एक वीडियो में, दूसरा एक ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा ड्रीम विला। ये बाहर का व्यू है मेरा विला का। हमारा गाड़ी एक्चुअली पोर्टिको में पार्क किया हुआ है। सो ये है, जैसे आप लोगों को बोली थी, मेरा घर बीच में है और चारों साइड गार्डन के लिए स्पेस हम लोग छोड़े हैं। आप लोगों को गार्डन का, साइड का गार्डन का थोड़ा व्यू दिखा रही हूँ, फिर हम जाते हैं घर के अंदर। मेन जो डोर है उसके पास हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिल लगाए हैं और उसके ऊपर एक लाइट लगा है सुंदर सा। घर के अंदर जब हम घुसते हैं लबी आती है, और लेफ्ट साइड में देखिए कितना सुंदर एक चारकोल पेंटिंग हम लोगों ने लगाए हैं। ये चारकोल पेंटिंग मेरा बेटा का टीचर ने, आर्ट टीचर ने उसको प्रेजेंट किए थे। उसके बाद हम आ गए हैं अभी गेस्ट रूम के अंदर। गेस्ट रूम एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड में पड़ता है। यहाँ पे हम लोग ने एक क्वीन साइज का बेड रखे हैं। ये रूम का खासियत है कि ये रूम का जो विंडो है वो एक कॉर्नर विंडो है। उसके बाद आप लोग जैसे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े हैं, वो मिरर देख रहे हैं, वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का मिरर है। ये जो बेड है, जैसे मैंने बोली वो क्वीन साइज का बेड है, उसका राइट हैंड साइड में हम लोगों ने एक मार्बल का सुंदर मंदिर स्थापित किए हैं। और ये बेड का जो हेडबोर्ड है उसके ऊपर हम लोगों ने पेंटिंग लगाए हैं और कॉर्नर में एक सुंदर सा पेंडेंट लाइट रखा हुआ है।
एंड वो बेड का लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा साइड टेबल है जिसमें एक लैम्प शेड है और एक फ्लावर वेश है। ये जो हमारा पूरा घर का व्यू आप देख सकते हैं। और वार्डरोब भी है, वार्डरोब में हम लोग ग्लास पेंटिंग कुछ कॉलर ग्लास वार्डरोब के अंदर लगाए हैं। अभी वो गेस्ट रूम का पूरा व्यू आप लोगों को दिखाई, अभी हम चलते हैं गेस्ट रूम से निकल के लिविंग एरिया के पास। लिविंग एरिया आप देखिए, यहाँ पे एक वॉल हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं मैंगो येलो कलर में, और उसका जो अपोजिट वॉल है जहाँ पे मैंने टीवी रखी हूँ वो उसमें स्टोन क्लैडिंग किया गया है। ये स्टोन क्लैडिंग स्टोन का कलर वगैरह मैं और मेरे हस्बैंड सिलेक्ट किए थे। उसके साइड में एक डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा आर्टिफैक्ट रखी हूँ, येलो वाइट एंड रेड में बॉक्सेस बनाया गया है। ये है वो सोफा के अंदर जो कुशन है उसको वॉल कलर के साथ मैच करके मैं रखी हूँ। और ये है एक 3+2 सोफा जिसमें सेंटर टेबल भी है, सेंटर टेबल के ऊपर भी मैंने कुछ आर्टिफैक्ट्स रखी हूँ। ये है मेरा डाइनिंग एरिया पूरा देखिए, ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर एक सुंदर सा फ्लावर वेश में रखी हूँ, दोनों साइड में ग्लास का 2 आर्टिफैक्ट रखा हुआ है। आप कॉर्नर में देख सकते हैं मेरा शू स्टैंड है, शू स्टैंड के ऊपर भी कुछ आर्टिफैक्ट्स में रखी हूँ। अभी वो डाइनिंग एरिया से आप जैसे देख सकते हैं स्टोन क्लैडिंग एक पैच मैंने हमारा जो स्टेयर केस है वहाँ पे भी की हूँ। सो एक एंगल से आप दोनों स्टोन क्लैडिंग को कोऑर्डिनेट करके देख सकते हैं, ये पूरा व्यू है। अभी आ जाएंगे हमारे किचन का अंदर, ये किचन बहुत बड़ा है, ओपन किचन है, और इसमें जो लैमिनेट यूज किया गया है येलो वाइट एंड रेड उसको प्रॉपरली कलर कोऑर्डिनेट है। ये किचन येलो कलर और जो वॉल का येलो कलर के साथ मैच करके किया गया है, रेड कलर मेरा जो शैंडेलियर है वो शैंडेलियर के साथ मैच करके किया गया है। यहाँ पर एक सुंदर सा एंटीक क्लॉक है, इसके नीचे मैंने ड्राई फ्लावर स्टिक रखी हूँ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके। अभी ये सीढ़ी दे के हम लोग ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे हम लोगों का दोनों बेडरूम है। वो दोनों बेडरूम जब ऊपर उठते हैं एक छोटा सा लॉबी है, वो लॉबी में मैंने 3 मिरर को सुंदर कलरफुल 3 मिरर था उसको एक वॉल में हैंग की हूँ। वो दे के हम अभी आ गए हैं टेरेस में, मेरा घर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट टेरेस के ऊपर से वो लेआउट का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ग्रीनरी, उसके साथ जो इंडिपेंडेंट विला सब लाइन में रखा हुआ है। हमारा लेन एक्चुअली ये लेआउट का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट लेन है, और छत के ऊपर से मैंने आप लोगों को एक 360 डिग्री व्यू दिखा रही हूँ। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, छत के ऊपर से हमारा लॉबी का एक व्यू है। यहाँ पे भी एक चारकोल पेंटिंग में वॉल में लगाए हूँ, ये पेंटिंग बहुत यूनिक है और बहुत सुंदर है। और ये है मेरे विला का गार्डन एरिया में हम लोग एक स्टोन आर्ट रखे हैं स्लीपिंग बुद्धा का, ये बहुत एक यूनिक सा चीज़ है, इसको मेरी फ्रेंड ने हम लोगों को गिफ्ट किए हैं एंड ये हमारे लिए प्राइसलेस है, अनमोल है। जैसे ये हमारे विला का जो ब्यूटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, 100 times उसका ब्यूटी बढ़ जाती है। ये बहुत सुंदर एक स्टोन आर्ट है एंड आप इसको देखिए ये कितना सुंदर है। मैं आप लोगों को मेरा फ्रंट गार्डन का कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ। ये हमारा विला का फ्रंट गार्डन है, देखिए यहाँ पे भी कुछ फ्लावर प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं, बट यहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं रेगुलर बेसिस में। सो इसका टेक केयर करने के लिए हम लोगों ने एक लोग अपॉइंट किए हैं जो मंथली 2 बार आके इसका देखरेख करती है। ये था मेरा पूरा विला का टूर, आशा करती हूँ ये जो वीडियो मेरे घर का वो आपको बहुत पसंद आएगा।